अस्सलाम वालेकुम हजरत, ये जो सैफ भाई है ना, रात भर सोने नहीं दिए, इधर जा रहे हैं मालूम है, अभी नींद पे उठा के बोलते व्लॉग करेंगे, व्लॉग कर रहे हैं ना इधर, अभी हुई है सुबह भाई। अभी सुबह नहीं हुई है भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम उस्ताद, तो मजा आ गया भाई रात में तो। शेख भाई भाई हमारे सदर साहब को दिखाओ ना थोड़ा, सदर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी रात कैसी रही लोना वाला? बहुत अच्छी माशाल्लाह, तुमको क्या लगा नदीम भाई, सब कुछ डाल दूंगा क्या ब्लॉग के अंदर? बस क्या भाई, ये देखो आ गया, अभी कहाँ जाते हैं बोलो। ये है आई गोट फार्म। एक पूरी रात और पूरी सुबह से दोपहर का सफ़र करने के बाद हम लोग पहुँचे आई गोट फार्म, और ये पूरा में है, एंड दिस इज़ दी वन एंड ओनली आई जिसके नाम पे ये फार्म है। मोस्ट फेमस और सबसे बड़ा फार्म है ये सानियन ब्रीड के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग कुछ शॉपिंग करने पहुँचे थे और इनका पूरा सेटअप समझने पहुँचे थे। पूरी रात और पूरी दिन के सफ़र के बाद में दोपहर में हम लोग यहाँ पर पहुँचे और हमें ये मौका मिला कुछ रिकॉर्डिंग करने का, जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। बहुत अच्छा सेटअप है ये, पुणे में एक काफ़ी रिमोट प्लेस पे इन्होंने ये सेटअप बनाया हुआ है माशाल्लाह, और बहुत अच्छा इनका सानियन का काम है। सानियन जो एक ब्रीड है, स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करती है, इसका ब्रीडिंग सेटअप ये चलाते हैं डॉक्टर साहब यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर देखने आए थे कि वो किस तरीके से काम करते हैं और मिल का उनका किस तरह का काम है और वो किस तरह की ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं और कितना अच्छा काम चल रहा है, और इनसे कुछ सीख करके हम लोग जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने अंदर घुसते से ये बात देखी कि उन्होंने सब स्टॉक करके रखा हुआ था अपना सामान जो बकरी को खिलाने वाला है, और क्या चारा खिलाते हैं। और आई ने जो है हम लोगों को इस फार्म का पूरा टूर दिया और हमें समझाया, बताया क्या करते हैं। इवन दो उनको हिंदी समझ में नहीं आती, लेकिन उन्होंने हम लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दी। हमको आई की भाषा नहीं समझ में आ रही थी और आई को हमारी भाषा नहीं समझ में आ रही थी, बट स्टिल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इशारे इशारे में समझ गए। तो ये मिल्किंग सेटअप है आई गोट फार्म पे। यहाँ पर ये माशाल्लाह रोज़ का काफ़ी मिल्क प्रोड्यूस कर लेते हैं सानियन बकरियों के थ्रू। सानियन बकरियाँ जो है ये मिल्किंग में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरियों में से माने जाते हैं। इनका दूध सबसे ज़्यादा होता है आम बकरियों के मुकाबले। इनका लैक्टेशन पीरियड जो होता है वो आम बकरियों से सबसे ज़्यादा होता है, और ये काफ़ी खूबसूरत दिखती है। सबसे पहली चीज़ ये गुलाबी होती है, वाइट होती है, पूरी पिंक स्किन के अंदर अच्छे सिंग सिंगार में होती है, और ये स्विट्ज़रलैंड की ब्रीड है और इनका मिल्क बहुत आता है, तो उस हिसाब से इसका काफ़ी बड़ा सेटअप जो है डॉक्टर साहब ने बना करके रखा हुआ है, और वही हम देख करके कुछ सीखने आए हैं। एंड हमारे साथ है इरफान भाई चौधरी और इम्तियाज़ भाई चौधरी, और काफ़ी हम कुछ दोस्त मिल करके आए थे। नदीम भाई जो आपने देखा वो भी आए हुए थे। नदीम भाई ने हम लोगों को रात में एक बहुत ही लाविश स्टे करवाए थे लोनावला में। उसके बारे में मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो बहुत सीक्रेट प्लेस थी। एनीवे, यहाँ पर हम एक्चुअली कुछ ख़रीदारी करने आए थे। डॉक्टर साहब से हमने सुबह में फ़ोन करके बात कर लिया था कि हमें कुछ बकरियाँ चाहिए जो हमें ऐसा लगे जो हमारे काम आ सके। तो यहाँ पर छोटी बकरियाँ तो नहीं दे रहे थे वो, लेकिन उन्होंने हमको कुछ बड़ी बकरियाँ बताई जो सेल के लिए हैं, और आगे आपको हम दिखाएंगे कौन सी बकरियाँ हम देख रहे थे। और यहाँ पर ये माशाल्लाह, दिस इज़ वन ऑफ़ द मेन ब्रीडर्स। इसका सिंग सिंगार देखो माशाल्लाह, एक राजा की तरह बेहतरीन अपनी बकरियों के साथ है। इनका सेटअप ऐसा है ना कि इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बाड़े बनाए हुए हैं। बाड़े के अंदर एक ब्रीडर रखा हुआ है, और एक ब्रीडर के साथ में जो है इन्होंने 6 से 7 फीमेल्स रखी हुई है।
ये अपने जो भी हीटिंग पीरियड के ऊपर आती है तो फीमेल्स लग जा रही हैं, और फीमेल्स लगने के बाद में ये इस तरीके का प्रोसेस है। मतलब बहुत ज़्यादा मगजमारी वाला काम नहीं है, बहुत ही सिंपल सादा काम कर रहे हैं ये, और इनका मेन मेन फोकस जो है दूध के ऊपर है। ये दूध निकालते हैं बकरियों का, एंड ये डायरेक्टली दूध सेल करते हैं अदर स्टेट्स में, एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं ये सान इनके निकले हुए दूध से। इन्होंने ये ब्रीड इसके लिए चुनी क्योंकि मैं बार बार आपको यही बात बता रहा हूँ, ये जो ब्रीड है बकरियों के अंदर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक शेड कंप्लीट कर लिया था, एक शेड के अंदर लगभग 10 के आसपास केजेस थे, सेक्शंस बने हुए थे। उसके अंदर इन्होंने ग्रेड्स के हिसाब से बकरियां रखी हुई थी, कुछ बहुत अच्छे ग्रेड की थी, कुछ नॉर्मल ग्रेड्स की थी, और उनके साथ में उन्होंने ब्रीडर रखा हुआ था, और ये ब्रीडर जो हैं उन बकरियों के लिए काम करते हैं। मतलब उनको लगना ये ब्रीडर जो है ये देखो ये काम के लिए है, ताकि बकरियां हीट पे आए और ये लोड हो और इनका लैक्टेशन चालू रहे और ये बच्चे देते रहें। तो डॉक्टर साहब का एक ये बिज़नेस भी है कि वो ईद के टाइम पे बड़े सानिन बकरे बेचते हैं, और ये बच्चे जो आते हैं उन्हें भी कुछ हद तक का बड़ा करके 6-8 महीने 10 महीने पे मेल बेचते हैं, जिसको ज़रूरत होती है वो आता है इनके पास में और लेकर के जाता है, और ये बकरियां भी बेचते हैं, लेकिन जो इनको नहीं चाहिए होती वो बकरियां बेचते हैं। ऑब्वियसली कोई भी फार्म वाला यही करता है, कोई भी अच्छा फार्म जो चल रहा होता है वो यही काम करता है कि अच्छी से अच्छी फ़ीमेल्स वो कोशिश करता है कि मैं अपने पास में रखूँ, और जो फ़ीमेल्स थोड़ी सी कम क्वालिटी में होती है वो उन्हें बेचने निकाल देते हैं। तो जिसका भी शौक पूरा होना होता है वो हो जाता है, और फार्म का भी काम चलते रहता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो तैयार हो रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो रिसेंटली आए हुए हैं, यहाँ पर कुछ और बच्चे हैं जो तैयार हो रहे हैं, इसके अंदर मेल फीमेल सब मिक्स है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, और काफ़ी बड़ा काम है ये पुणे के अंदर। मुंबई के अंदर तो मैं समझता हूँ इरफान भाई चौधरी माशाल्लाह सबसे बड़ा सान इनका ब्रीडिंग सेटअप चला रहे हैं, और इनके आगे पीछे कोई लग रहा नहीं है मेरे हिसाब से। तो हम लोगों ने जहाँ तक देखा है इतना बड़ा जो काम है, जो मैं एवरीडे व्लॉग्स के अंदर आपको दिखाते रहता हूँ, उतना बड़ा सान इनका ब्रीडिंग सेटअप किसी का नहीं है। ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट पूना में, और यहाँ से हम लोग आ गए थे अल मुकद्दस गोट फार्म पे। यहाँ पर ये काफ़ी एग्जॉटिक और कश्मीरी और जानवर अलग अलग जानवरों में काम करते हैं, एग्जॉटिक में। ये बच्चा हम लोगों को पसंद आया था, लेने की बात कर रहे थे, और इनका कश्मीरी गोट्स जो स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, खेल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके अंदर इनकी स्पेशलिटी है। दिस इज़ वन ऑफ द गोट्स दैट वी वांटेड टू बाय, लेकिन कुछ पैसों की वजह से ये सौदा नहीं हो पाया। बहुत बेहतरीन बच्चा है, आप अल मुकद्दस गोट को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। यहाँ पर अलबाज हमें मिले, अलबाज जो है ये पूरा फार्म देखते हैं, संभालते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से। इन्होंने कश्मीर से बकरे ला कर के, लद्दाख से बकरे ला कर के, और इंडिया के जगह जगह से एग्जॉटिक बकरे ला कर के इन्होंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है, और ये सेटअप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सेकंड सेटअप है जो हम लोग यहाँ पर आकर के पूना के अंदर देख रहे हैं। ये देखिए, ये जेकब शीप है। जेकब जो है होती है ये 4 सिंग 6 सिंग वाले मेंढे होते हैं, और यहाँ पर कुछ कश्मीरी और बैंटम आपको दिखेंगे, बैंटम नहीं दिखेंगे, कश्मीरी और जिंक आपको दिखेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द कश्मीरी गोट्स जो किसी के तैयारी पे है, किसी कस्टमर का है, पलाई पे है। ये एक अलग कश्मीरी है। कश्मीरी में भी दो किस्म के कश्मीरी आते हैं, एक बहुत हाइट वाले कश्मीरी आते हैं और एक कम हाइट वाले कश्मीरी आते हैं। ये देखो, इनकी सिंग भी बहुत बड़ी है, इनकी हाइट भी बहुत बड़ी है, और एक कश्मीरी होते हैं उनकी सिंग बहुत बड़ी होती है, उनकी हाइट थोड़ी कम होती है, जैसे कि ये वाला। और ये जो है ना, ये खेल के अंदर काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, और ये अंगूरा नस्ल है। अंगूरा नस्ल बहुत ही सिमिलर होती है सानिन के साथ में, बट इनके घुंघरू बाल आते हैं। और ये है जेकब, जैसे मैंने आपको बताया वो ब्लैक जेकब था, ये वाइट जेकब है, और ये एक और एक कश्मीरी बकरा है। कश्मीरी में भी आपको दोनों नस्ल में यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो है ये खेल के लिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी लोग इसका शौक करते हैं।
और एक होते हैं कश्मीरी जो बहुत खूबसूरत होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबी हाइट होती है, लंबे इनकी सिंग होती है, और वो यूजुअली आदमी खस्सी करके यूज़ करता है कुर्बानी के लिए। और ये जो छोटा सी आपने टेडी बेयर ऐसा बकरा देखा, वो बन्नूर होता है मेंढकों के अंदर। एंड ये देखो, ये बड़े कश्मीरी है, ठीक है, बड़ा कश्मीरी और छोटा कश्मीरी बोलूँगा तो समझ में आ जाना चाहिए आपको अभी। तो ये जो है ये बड़े कश्मीरी है, ये एक बरबरा है, ये बहुत बड़ी लेंथ का दुम्बा है, अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको देख के समझ में आएगा। एंड ये एक और एक जेकब है, जेकब शीप। एंड ये कुछ अंगूरा है, अंगूरा बहुत सिमिलर दिखते हैं सारे के, बस इनके घुंघरू बाल आते हैं। कोई ऐसा बकरा दिखेगा तो मैं आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और ये छोटे हाइट वाले कश्मीरी है, जैसे मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स के लिए ये भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी बहुत चुन करके सिलेक्ट करना पड़ता है किसकी खड़ी सिंग है और किसकी नहीं है। एंड ये जिंक बकरे हैं, छोटी हाइट में होते हैं, लंबे बाल होते हैं, ये लद्दाख की ब्रीड है। और इनको ये जितने भी बकरे आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ला करके सेट करना ये बहुत बड़ा कमाल है। ये यूजुअली सरवाइव नहीं करते हैं इस क्लाइमेट के अंदर। इन्होंने इतने दिन पहले ला करके इन बकरों को सेट किया है, बहुत कमाल की बात है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है एग्जॉटिक के अंदर, तो अल मुकद्दस इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट ऑप्शन आई वुड से, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी और आपके मतलब का सामान मिल जाएगा। और बहुत ही जेन्युइन लोग हैं ये, आप इनसे जा कर के मिलिए, इन्हें फ़ोन पे कांटेक्ट कीजिए, ये आपको अच्छी से अच्छी चीज़ अच्छे से अच्छे भाव में देंगे। और ये जिंक है, कुछ बहुत खूबसूरत बच्चे होते हैं, छोटे सी होते हैं। और ये वही अंगूर है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, ये जैन को, मेरे भाई को बहुत पसंद आ गया था, हम लोगों ने इसकी बात की थी, लेकिन लगभग 10,000 रुपये के फ़र्क से हमें ये सौदा नहीं किया। 10,000 रुपया मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, बट स्टिल हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। और मतलब उस चीज़ का हमें वो वर्थ लग रहा था, इसके लिए हम लोगों ने लगाया उसका, बट स्टिल नहीं। और ये कुछ कश्मीरी फीमेल्स है, ये बहुत एग्जॉटिक है भाई, ये रेयरेस्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने पूछ करके वीडियो निकाला था इनका। और हम लोग एक जिंक लेकर के, अभी आप देखोगे मुंबई जा रहे हैं गाड़ी में लेकर के एक बॉक्स के अंदर, ये जिंक इम्तियाज़ भाई ने ऑलरेडी ख़रीद चुके थे। और स्टेशन, पूना स्टेशन से हमने लेकर के इस जिंक को अच्छे से सेट किया और निकल गए। कुछ खाने का बहुत भूख लग रही थी, तो हम लोग ये एक पीके बर्गर बोल करके एक बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ पर आए। और कुछ इस तरीके का सेटअप है यहाँ पर, अच्छा खाना, अच्छा मज़बूत खाना हम लोगों को यहाँ पर मिला, जो आप आगे देखोगे। और हम लोगों ने यहाँ पर बर्गर्स ऑर्डर किए, क्योंकि बर्गर ही यहाँ पर स्पेशली मिलता है। हम लोगों ने बाहर ही काउंटर पे अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था, और ये बंदा आकर के फिर से हम लोगों को ऑर्डर मांग रहा था। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इतनी भूख लगी थी, तो हम लोगों ने उसको वही बताया और हम सब यहाँ पर खाने का इंतज़ार करने लगे। ये बोल रहा था 9 बर्गर खा जाएगा, डेढ़ में थक गया। ये है फ्राइज ऑब्वियसली, और ये है बर्गर। ये एक वाहिद शॉप है जहाँ पर बीफ बर्गर मिलता है पूना के अंदर, कभी जाओगे तो ट्राई करना, बहुत ही मज़बूत बर्गर है, मज़बूत मतलब लिटरली मज़बूत है ये। और हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया, और खाना खाने के बाद में घर की तरफ निकल गए। और घर आने के बाद मैंने नोमैड को घर पे लेके आया, हमने बकरे का नाम नोमैड रखा था, और नोमैड घर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। और घर पे वो चिल्लाने के बाद में मैंने ये डिसाइड किया कि इसे फार्म पे भेज दिया जाएगा, तो हम लोगों ने रातों रात इसको रिक्शा की और ये फार्म चला गया। आई होप ये अच्छा हो, मैं जा कर के देखने वाला हूँ। ओके सर।